झांसी में विगत दिनों एक युवक को सरेराह गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बताया गया है कि अनिल मिश्रा पुत्र राम सुमेर मिश्रा निवासी चौधरयाना थाना कोतवाली झांसी द्वारा लिखित तहरीर दे करके अपने पुत्र मोहित मिश्रा के अपने दोस्त के साथ कार से घर वापस आते समय जीवन चाहत राय से इलाइट की तरफ एम्बियंस होटल के सामने एक बुलेट पर सवार लगभग 35 वर्षीय युवक से मेरे बेटे की बहस हो गई। मेरा बेटा गाड़ी से उतरा तो वह युवक मेरे बेटे से लिपट कर झगड़ने लगा और अचानक उस युवक ने छोटा असलाह निकालकर मेरे बेटे के ऊपर फायर कर दिया। मेरा बेटा मौके पर ही गिर गया और वह युवक अपनी बुलेट से यू टर्न लेकर वहां से भाग गया। इस संबंध में थाना नवाबाद झांसी में 56/2022 धारा 307 पंजीकृत कराया गया था। इलाज के दौरान मोहित मिश्रा की मृत्यु होने के उपरांत अभियोग में धारा 302 की बढ़ोतरी की गई थी। विवेचना से अभियुक्त विनय नायक पुत्र अशोक नायक मिशन कंपाउंड थाना सीपरी बाजार झांसी उम्र 42 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त घटना के दिन से ही बदस्तूर फायर चल रहा था। दिनांक 2/1/2022 को थाना नवाबाद पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त को मऊरानीपुर तिराहे पर चुंगी से ओरछा की तरफ मंडी चौकी के समीप से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर में 3 जिंदा व 1 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। झांसी से सुनील जैन की रिपोर्ट। लगभग 8:30 बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका नाम मोहित मिश्रा था। इसमें हत्यारोपी विनय नायक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पर अधीक्षक झांसी टीम द्वारा और स्वाट टीम और नवाजन अधीक्षक नवाबाद द्वारा झांसी में एक लाइसेंसी रिवाल्वर 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस के साथ हत्या करने का क्या कारण रहा? हत्या का कारण प्रथम दृष्टया रोड पर गाड़ियों की टकराने के कारण हुई लड़ाई पाई गई है। अन्य कारणों के बारे में विवेचना की जा रही है। आरोपी कहाँ से पकड़ा सर? कितने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें कई टीमें लगाई गई थी। आरोपी को मऊरानीपुर चुंगी से ओरछा की तरफ लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर इसको पकड़ा गया है और जो टीमें लगाई गई थी उसमें सरकार टीम अपराधी के इतिहास और अन्य आपराधिक विषयों के बारे में विवेचना की जा रही है। क्या ये घटना के बाद मध्यप्रदेश में भी अरेस्ट हुआ? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये निवाड़ी जनपद में कहीं पर अरेस्ट हुआ और जब झांसी जनपद में जब इसमें कहीं जाने की फिराक था उस समय पकड़ा। सही में सही। हाँ।